डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? आई एम अंजलि मिश्रा फ्रॉम लिटिल स्टेप्स प्ले स्कूल अनुपुर एंड वेलकम्स यू टू टुडेज टॉपिक, टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट इज हैवी। ओके, सो ओपन योर कॉपी, पेज नंबर 8 दिख रहा है आप लोगों को, ये ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, पेज नंबर 8। सो लेट्स स्टार्ट। टिक द ऑब्जेक्ट दैट इज हैवी, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, जो हैवी होगा उसमें अपन को क्या करना है, टिक करना है, ठीक है, जो मतलब जिसका वेट ज़्यादा होगा उसमें अपन को टिक करना है। सो लेट्स स्टार्ट। विच पिक्चर इज दिस? दिस इज जैक फ्रूट। विच पिक्चर इज दिस? दिस इज जैक फ्रूट एंड दिस कैप्सिकम। ओके, आप बताओ कौन सा हैवी रहता है, जैक फ्रूट कि कैप्सिकम? जैक फ्रूट ना। ओके, सो अपन क्या करेंगे, टिक कर देंगे इसमें, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना आप लोग को, फर्स्ट क्या क्या है, बॉल एंड सेकेंड क्या है, काइट। बॉल हैवी होता है कि काइट? बॉल ना, तो अपन क्या करेंगे, टिक कर देंगे बॉल पे। ओके, एंड नेक्स्ट, विच पिक्चर इज दिस? दिस इज कार एंड दिस बाइसिकल। ओके, तो आप लोग देखे होंगे ना कार कितनी भारी रहती है, हैवी रहती है, और बाइसिकल तो ऐसे ही कोई भी चला लेता है, तो क्या करोगे आप लोग, टिक करोगे, कौन सा हैवी है, कार ना। ओके, तो हम क्या करेंगे, कार पे टिक कर देंगे। एंड लास्ट, विच पिक्चर इज दिस? दिस इज बुक। ओके, बुक एंड इरेजर, तो बुक हैवी रहती है, इरेजर तो छोटा सा रहता है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, बुक पे टिक कर देंगे। ओके बच्चों, समझ में आया? तो टुडे क्लास इज ओवर एंड आपका होमवर्क है, टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट इज हैवी, जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसमें आपको टिक करना है, पेज नंबर 8। ओके, गुड बाय चिल्ड्रेंस।